आदाब, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल में। आज हमारे साथ हैं इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जनाब टी मोहम्मद अताउल्ला साहब, जो बहुत सालों से यहाँ इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग से सदर बने हुए हैं। आज इनसे मुलाकात करके इनसे कुछ बातें जानने की कोशिश करते हैं। जनाब अताउल्ला साहब, जैसा कि आप जानते हैं कि कर्नाटक के इंतखाबात अनकरीब डिक्लेयर होने वाले हैं, तो आपकी पार्टी इस ज़मन में क्या क्या कोशिशें कर रही हैं और कितने कैंडिडेट्स जो है मैदान में उतारने की तैयारी चल रही है, इस ताल्लुक़ से आप सरसरी से जो है ख़बर हमारे चैनल को दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। देखिए, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ये जो एक नेशनल पार्टी है, इसीलिए हर बार गुज़िश्ता बार में 1983 में हमारी मुस्लिम लीग से यहाँ कैंडिडेट खड़े किए थे और उसमें हमने 18 कहाँ से आपने खड़ा किया था? दाउनगेरा साउथ से खड़ा किए थे। 1918 वोटा उस पर हमारे पार्टी को मिले थे। 1918 हज़ार वोटा हमारी पार्टी को उस टाइम पर मिले थे। 1983 में जब मुस्लिम लीग से जो है ऊंट इकबाल साहब इलेक्शंस में खड़े थे, तो 18 हज़ार वोटें उस वक्त तकरीबन शायद 24 या 25 हज़ार वोट जो है मुसलमानों के यहाँ पर थे, बावजूद उसके 18 हज़ार वोट लेने में वो कामयाब हुए थे मुस्लिम लीग से, आप ये कहना चाह रहे हैं? जी, इसीलिए अब ये 80-90 हज़ार के ऊपर वोट हैं। इस बार तो हमें कांग्रेस से भी अलायंस करने की बात तो हमारे नेशनल प्रेसिडेंट और रियासती सदर जावेदुल्ला साहब, इन्होंने बातचीत शुरू की है। इंशाल्लाह हमें दाउनगेरे में भी इलेक्शन में खड़ा कैंडिडेट डालने के हक़ में हैं। देखना यह है कि अभी मार्च 9-10 तारीख को हमारे 75 साल हमारी पार्टी के मुकम्मल होंगे। एक बड़ा फंक्शन चेन्नई में होने जा रहा है, उसमें बाकायदा हम फैसला देंगे कि क्या करना क्या नहीं करना चाहिए, इस पर हम गौर फिक्र करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका।